अब तो प्रसाद बन गया माता सीता की रसोई। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अब तुम्हारा सारी अष्ट सिद्धियां यहाँ पर मौजूद हो गई। अब समस्या, सिद्ध जन लोग, ऋषि जन लोग, ब्राह्मण संत और देवता लोग माता सीता की रसोई का प्रसाद है क्यों ना है, सभी आने लगे। अब चादरा उठा करके देख रहा है कि कितनों ने पा लिया, कितने रह गए। और जैसे चादरा उठा कर देखा, वो लाइन लगी है महात्मा संतों की, ब्राह्मणों की। फिर एकदम से चादरा उड़ के सो गया कि मतलब भूखा ही रहना है। इनकी जो ये यहाँ पर आए हैं, ये कब थे, जो ये और आ गए, इतने कमाल की बात है। और भगवान ने बड़ा सुंदर भोग लगाया, बड़ा आनंदमय भाव, बड़ा प्रसाद पा रहे हैं। और उतने में यहाँ गुरु जी आ गए, देखा करके गुरु जी ने चादरा ओढ़ करके सो रहा। गुरु जी ने कहा, क्यों रे, भोजन बन गया? उन्होंने कहा, गुरु जी भोजन बन गया और सब गए। और गुरु जी आज तो तुम्हारे भगवान ने एकादशी को अच्छा व्रत कराया हमारो। गुरु जी ने कहा, बन गया और खब गया, मतलब गुरु जी भोजन बन गया और आज हमने नहीं बनाया, आज तो तुम्हारे ठाकुर जी ने बनाया और उन्होंने ही बनाया, उन्होंने ही भोग लगाया। बताओ, हमने तुमसे कहा था एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और आज तो कमाल कर दिया। गुरु जी ने कहा, क्या बक रहा है, पोटला सामान का रखा हुआ वहीं पर और कुछ बनाया नहीं। उसने कहा, पोटला तो रखा सामान का, तूने भोजन बनाया कहा? अब तो बेचारे ने देखा, पोटला रखा, लेकिन जो मैंने देखा था वह बोले, मैंने देखा है भगवान ने, मैंने सर्वस्व देखा यहाँ पर। गुरु जी देखा तो झूठ बोल रहा है, अब तो रोने लगा, प्रभु आपने मुझे दर्शन दिया, क्या भगवान ऐसे आकर के दर्शन देते हैं क्या, भगवान ऐसे आकर के खाते हैं क्या? अब तो रो करके कहने लगा है, मैंने देखा भगवान का दर्शन किया है, आकर के भगवान ने भोग लगाया है गुरु जी। अब तो कहने लगा, गोटे मैं आपको दर्शन कराऊंगा भगवान का, भगवान से प्रार्थना करने लगा, यह सरल भक्ति है भगवान, अगर मैंने आपकी सेवा की, आपका भोग लगाया है, तो आप मेरे गुरु जी को भी दर्शन दो, नहीं तो ये मानेंगे कि चेले ने, शिष्य ने अपमान किया, मैं जाने क्या करता होगा। ये भगवान ने आकाशवाणी की, मैं तेरे गुरुदेव को दर्शन नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि पुत्र जितना तू सरल है ना, उतना सरल तेरे गुरु जी नहीं है। अब तुम्हारा आकाशवाणी सुनकर के गुरु जी भी रोने लगे, आंखों में नैनों में अश्रु पूरी तो नैन हो गए, तन बेबो दिया, आंखों से अश्रु बहने लगा, तरलता आई आंखों के अश्रु निकलने से, सरलता आई स्वभाव को देख करके शिष्य की को, और जहां तरलता सरलता आई वहां भगवान राम प्रकट हो जाते हैं। और भगवान ने गोपे को दर्शन किया, कृतार्थ किया, प्रेम से बोलेंगे, गोविंद भगवान जय, आनंद कंद भगवान की जय, हो गुरु ग्रह पड़न गए रघुराई, अल्प काल सब विद्या पाई। भगवान कृष्ण गुरु जी के यहाँ पढ़ने के लिए आए, सुदामा नाम के मित्र से भेंट हुई और उनसे मित्रता की सखा बनाया, और 64 दिन में गुरु जी के यहाँ अल्प काल में समस्त विद्या को पाकर के गुरु जी को, उनका मृतक पुत्र, उनकी पत्नी, अपनी गुरु माता को दक्षिणा में देकर भगवान लौट करके मथुरा के लिए आ गए। लेकिन जिस दिन से यह मथुरा आए हैं ना, उस दिन से ही यह बिल्कुल अकेला अपने आप को रखते हैं, बिल्कुल अकेला महसूस करते हैं। माता देवकी ने देखा, पुत्र कृष्ण, हमारा कृष्ण जो है, जिस दिन से पढ़ करके आया, विद्या अध्ययन करके आया, अपने कक्ष में अकेला रहता, किसी से बात नहीं करता, कुछ कहता नहीं, बोलता नहीं, चाहता नहीं, अकेला गुमसुम सा रहता है, इसे शायद यशोदा की याद आती हो, तो आज अपने हाथों से भोजन बना करके ले जा रही है खिलाने के लिए, याद आया यशोदा जी तो उसे माखन जरूर खिलाती होंगी, उनके यहाँ माखन होता है। आकर के दधि मंथन किया देवकी भैया ने, और कटोरी में माखन रख करके लेकर के चली, और साथियों जैसे माखन लेकर के कटोरी में चली, और थाली को लेकर के आज अपने लाला को भोजन कराना चाहा मैया ने, पुत्र
भोजन कर लेना तुझे अपने हाथों से प्रेम से खिलाऊंगी। यशोदा मैया का जैसा भाव खिलाने, जैसे रोटी के टुक ऊपर माखन लिया और जैसे भगवान ने माखन खाने के लिए देखा, माखन को देखते ही उनकी आंखों से झरना झरना प्रारंभ हो गया। अब तो आंखों से जो बहने वाले आंसू हैं वो रुक नहीं रहे हैं, रोते ही जा रहे हैं। भगवान कृष्ण के आंखों से झरने वाला झरना बह चला है। माता देवकी उसको रोते हुए देख नहीं पा रही है, इसलिए भाग करके चली गई। वसुदेव जी से कहती है, आप कैसे पिता है, आपका पुत्र रोता रहता है, अकेला परेशान है, कुछ परेशानी है, आप क्या पूछ नहीं उसे, कैसे पिता है आप? वसुदेव जी ने कहा, देवी अगर तेरे पुत्र अगर इसका जो बचपन मेरे साथ व्यतीत हुआ होता तो मुझे पता होता कि चाहता क्या है। इसका बचपन मेरे साथ नहीं बीता, बचपन से लेकर बड़ा होकर के मेरे पास आता तो मैं जानता मेरे साथ ही यह बचपन खेलता कूदता बड़ा होता। मैं जानता कैसे कब क्या चाहिए, कैसा मेरा पुत्र का स्वभाव है, क्या चाहता, मुझे क्या पता। इसके विषय में तो नंद बाबा को ज्ञात होगा। बातें में पुत्र के साथ जैसा कह रहे हैं वसुदेव जी वैसा ही भाव होना भी चाहिए। 5 वर्ष तक केवल मात्र बालक को दुलार करना चाहिए, केवल कितना भी दुलार कितना भी लाड़ला, लेकिन 5 वर्ष के बाद में केवल 5 वर्ष तक उसे दुलार दो, प्यार दो, और 5 वर्ष के बाद में 15 वर्ष उसे ताड़ना दो। 5 वर्ष प्यार दो, 15 वर्ष ताड़ना दो, और 20 वर्ष का होने के बाद फिर उसे अपना मित्र बना दो। यह हर पिता का अपने पुत्र के प्रति भाव होना चाहिए। 5 वर्ष प्यार होना चाहिए, 15 वर्ष ताड़ना होनी चाहिए, और उसके बाद फिर अपना मित्र 20 वर्ष का हो जाए फिर अपना मित्र बना लेना चाहिए। जैसे कि एक मित्र मित्र से बातें करता है, उस भांति की बातें कर करके उसके दुख सुख को जानने की कोशिश करना करे, वो पिता होता है। वो ऐसा जो पिता करता है बालक इसमें सरल और सत मार्ग पर चलता है। वसुदेव जी वही कह रहे, मैं नहीं जानता, नंद बाबा जान रहे हैं, लेकिन उद्धव जी को बुला करके भेजा है, ये कृष्ण तुम्हारे सखा है और मित्र भी है तुम्हारे, जाकर के पूछो उन्हें क्या परेशानी हुई है, हमें तो नहीं बताएंगे, आप तो मित्र हो जाओ। उद्धव जी ने आकर के कहा है कन्हैया को, कृष्ण आपको इस मथुरा में क्या परेशानी, क्या पीड़ा है आपको, क्या कष्ट है आपको, बताओ। भगवान ने कहा है उद्धव मुझे ब्रजवासियों की याद आ रही है, उद्धव मुझे याद आ रही है मैया यशोदा की, कि जिस समय मैं आना चाह रहा था मथुरा के लिए तो मेरे पैरों में बेड़ियां डाल दी थी, उसने कहा था तू मथुरा नहीं जाएगा, लेकिन मैंने उसे मना करके समझा करके भी कह दिया परसों आ जाऊंगा, और परसों 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 में बैरिन वर्षों हो गई, लेकिन मैं लौट लौट नहीं गया। कैसे रहती होगी वो मेरे लिए, क्या करती होगी वो, वो ग्वाल वो गाय वो बछड़े वो गोपियां वो मैया यशोदा वो ब्रजवासी, तो उनका क्या क्या हाल क्या स्थिति होगी। उद्धव मैं मुझे उनके लिए बहुत रोना आ रहा, मैं बहुत बहुत याद आ रही है मुझे उनकी। उद्धव भगवान ने कहा है, उद्धव जी ने कहा तो भगवान मैं क्या करूँ आपके लिए। भगवान ने कहा उद्धव मेरा काम कर दो, मैं मथुरा जा लौट करके तो वृंदावन नहीं जा सकता ब्रज में, लेकिन मेरा संदेश उनके लिए पहुंचा दो, वो बेचैन हो रहे होंगे मेरे लिए, तो मैं अपने संदेश के माध्यम से उन्हें बता देना चाहता हूँ, आप तो उद्धव ज्ञानी है ना, इसलिए मैं पात्र का आपको देना चाहता हूँ, और तुम मेरी पत्रिका को लेकर के मेरे ब्रजवासियों को अपने ज्ञान के प्रकाश से जाकर समझाओ। बड़ा सुंदर भगवान ने जो उद्धव से इस प्रकार से कहा है, तो देखिए उद्धव जी है ना,
ठीक है भैया, आप कह रहे हैं तो मुझे जाना होगा ब्रजवासियों के पास। लेकिन एक बात, वो ग्वाले वो अनपढ़ ब्रजवासी जो मेरे ज्ञान को समझेंगे क्या? वेद वेदांतरों का साल समझ पाएंगे वो? भगवान ने कहा समझा करके देख रही, तो ठीक है भगवान। वैसे तो मथुरा नगर के, मथुरा के सभा का, मथुरा के कार्यभार मेरे पर ज्यादा है, आप कहते हो तो आज्ञा को ठुकरा नहीं सकता, जाऊंगा। लेकिन मैं प्रातः जाऊंगा और दो चार घंटे के बाद लौट करके आ जाऊंगा। भगवान ने कहा मुझे कोई परेशानी नहीं, लेकिन ब्रजवासियों की कहा जाओ संदेश देकर आओ, आ जाओ, कोई परेशानी नहीं मुझे, लेकिन जाओ। तो जी ने कहा ठीक है, प्रातः चल। प्रातः भगवान से मिलकर के उत्तर जा रहे थे, भगवान ने कहा उत्तर तुम ब्रजवासियों से मिलने जा रहे हो ना? हाँ, तो सुनो फिर। जाते हुए उत्तर को लौटाया भगवान ने और अपना पीतांबर उतार करके दिया उसे, ले जा साथ में, अपना मोर पंख दिया इसे भी साथ ले जा उत्तर, क्योंकि मेरे ब्रजवासी जब तक तुझे बात नहीं करेंगे तब तक मेरा अपना नहीं मानेंगे तुझे, और यह परिचय देंगे तुझे मेरे अपना होने का, इसलिए जब पीतांबर और ये मेरा मोर पंख लेकर के जा रहे हैं। भगवान कितना बड़ा संकेत दे रहे हैं उद्धव को, लेकिन ये उद्धव अपने ज्ञान के अकड़ में बड़ा मदमस्त हो रहा है। ठीक है भैया, चला जा रहा है, पीतांबर लिया, मोर पंख लिया, रथ में सवार। और जैसे ही चलने लगे रथ में बैठ करके जा रहे, चले मथुरा से कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से गोपियों के प्रेम ने यह रंग दिखलाया, उलझ कर वस्त्रों में कांटे कहे आओ इधर आओ, यहाँ गोविंद के कुछ तत्व का कुछ रंग दिखलाओ। हमें भी कन्हैया के कुछ प्रेम का कुछ ज्ञान बताओ ना, हमें भी संदेश दो ना, हमें भी पढ़ाओ सुनाओ ना पाती। ऐसा लग रहा है कि यह वृक्ष है ना, वो झुक झुक करके मार्ग को रोक लेते हैं और उद्धव से कहना चाह रहे हैं, लेकिन साहस पूर्वक उद्धव का रथ वृंदावन में पहुंचा और भाग्यवश उन बालकों से भेंट हुई उद्धव की, जो बालक प्रतिदिन जिस दिन से कन्हैया मथुरा के लिए आया है उसी दिन से प्रातः अपने घर से निकल करके आते हैं और अपनी माताओं को कह के आते हैं आप तो कन्हैया आ ही जाएगा भैया, और उसे पकड़ करके ना उसकी मैया यशोदा के पास पहुंचा करके आएंगे। बहुत रोती है वो माँ यशोदा, बहुत दुखी होती है मैया वो मैया, जैसे हम आपके पास रहते हैं आप हमें देख करके प्रसन्न होती है माँ, लेकिन वो मैया यशोदा का लाला उन्हें छोड़कर चला गया है ना, तो वो बहुत रोती रहती हैं, बहुत तड़पती हैं अपने लाला के लिए वो भैया। माँ आज कन्हैया आएगा तो उसे पकड़ेंगे और वहां पहुंचाएंगे और आ जाएंगे और धमकाएंगे उसे क्यों गया था। लेकिन शाम हो जाती है, रोज का यही भाव होता है और लौट कर आ जाते हैं, लेकिन कन्हैया नहीं आते और बालक घर आ जाते हैं, प्रातः होती है फिर आ जाते हैं और वही बालक बैठे हैं मार्ग में कन्हैया का इंतजार कर रहे हैं। रथ आया उद्धव जी का, बालकों ने देखा है रथ आ गया, इसका मतलब इस रथ में हमारा कन्हैया जरूर आया होगा। एक छोटा सा संख्या कह रहा है मैं नहीं बात करूंगा उससे, ग्वाल वालों ने कहा क्यों? क्योंकि वो मुझे छोड़ करके गया है इसलिए बात नहीं करूंगा, और गया तू इतने दिनों के लिए क्यों गया, मैं बात नहीं करूंगा, बोलूंगा नहीं, बड़ा मुश्किल से आया ना, अपने आप को समझता क्या है। कुछ ग्वालों ने कहा नाराज मत हो भैया, अब पहले आया है इतने वर्षों के बाद तो पहले मिल लेते हैं और नाराजगी बाद में कर लेंगे, पहले मिल तो ले चलकर। पात मान करके मिलने आया और जैसे रथ के पास में मिलने आए ग्वाल वाल, लेकिन रथ के पास में आकर के खड़े हुए और उन्हीं पैरों लौटना प्रारंभ कर दिया,
और जैसे लौट करके जा रहे हैं यहाँ ब्रजवासी लोग, ये ब्रजग्वाल, ये बालक, वो तब ने धीरे से पर्दा उठाया, रखा और आवाज लगाई, अरे ओ सुनो ग्वाल वालों। ग्वाल वालों ने कहा हाँ, क्योंकि वह जान गए कि इस रथ में हमारा कृष्ण नहीं है, इसलिए वापस हो करके जा रहे हैं। उन्हें पता है हमारा कृष्ण नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर कृष्ण होते तो क्या रथ में से उतरने में इतनी देर होती, या रथ में बैठे बैठे आवाज लगा रहे होते? अपने ब्रज ग्वालों को देख करके, अपने सखाओं को देख करके वो चलते और भागते हुए रथ से कूद गया होता तो कृष्ण अगर होता था। और उनकी समझ में आ गया कि इसमें बैठा हुआ कोई कृष्ण नहीं, पहले अक्रूर रथ लेकर आया, अब कोई क्रूर रथ लेकर के आया है जो हमारे वेदनाओं पर मरहम लगाने का प्रयास करेगा। और जा रहे हैं और तुमने कहा सुनो, मैं मथुरा से आ रहा हूँ, मेरा नाम उद्धव है, यशोदा मैया के महल जाना है। बताओ कौन सा मार्ग है? वही छोटा सा वाला कह रहा है, मैया यशोदा के महल जाने वाला सीधा सीधा मार्ग बताएं या थोड़ा सरल सा मार्ग बताएं? सीधा सीधा बता दो, जल्दी पहुंच गया। उसने कहा तो सीधा सीधा यह मार्ग है, ये जल देख रहे हो बह करके आ रहा है, हाँ आ तो रहा है, बड़ा पावन और निर्मल है, इसी जल के सहारे सहारे चले जाओ तो मैया यशोदा के महलों में नहीं, मैया यशोदा के पास ही पहुंच जाओगे। सज्जनों, उद्धव ने बालकों से कहा है, क्या मतलब है तुम्हारा, क्या कहना चाहते हो, बहते हुए जल का क्या मतलब है नंद महल से और यशोदा मैया से? बालकों ने कहा, उद्धव जिस दिन से तेरा हुआ क्रूर हमारे कन्हैया को यहाँ से ले गया है ना, उस दिन से उस माँ यशोदा की यही हालत है, क्योंकि आंखों से जल गिरने वाला जो जल है, बहने वाला जो जल है, वह बंद नहीं हो पा रहा है, उन्हें धुंधला धुंधला दिखने लगा है, वो अपने लाला के लिए दिन रात्रि रोती रहती है। और सुनो उद्धव, मैया यशोदा ही नहीं, न जाने कितनी ब्रज की पंछी आकर के उनकी अटारियों पर बैठ करके कहते हैं वो सांवला सलोना कहाँ है और रोते हैं, कितने बछड़े फूंक भर भर करके रोते हैं, कितनी गाय फूंक भर भर करके रोती हैं, कितने हिरण पंछी पशु भगवान के मुरली की तानों को सुनने के लिए मैया यशोदा से कहते हैं, अरे ओ यशोदा रानी बुला ले उसे, कहाँ भेज दिया है? और जब उसे देखते रोते तो वो रोते रहते हैं और उनकी आंखों से अश्रु बहता रहता है। लाखों करोड़ों गोपियां जाकर के उन्हें समझाने का प्रयास करती हैं लेकिन उनकी समझ में नहीं आता है। और उन लाखों करोड़ों ब्रजवासियों के नेत्रों से बह करके आने वाला जल है यह जाओ। उद्धव पहुंचा हुआ महल, नंद बाबा ने बस बेप्रीति से सम्मान किया इनका, लेकिन याद आई अपने कन्हैया की तो पूरे नंद बाबा की आंखों में अश्रु भर आए। उद्धव मेरे कन्हैया के विषय में कुशल है, बताओ ना मुझे, ठीक है ना, अच्छा रहता है ना, स्वास्थ्य तो ठीक है उसका? हाँ बाबा, तो फिर बताओ कभी मुझे याद भी करता है क्या, कभी कहता है बाबा? कहता है। और सुनो, बहुत याद करता है वो आपकी, इसलिए मुझे पाती लेकर के संदेश और कुशल लेने के लिए भेजा है उन्होंने। अब तो और ज्यादा रोने लगे, कुशल लेने भेजा है, आ नहीं सकता है, कितना दूर है वो मथुरा यहाँ से, रोते रोते बेहाल है। यशोदा रानी से मिलाया, नंद बाबा ने उद्धव के इस हाल में कर दिया, उद्धव की ज्ञान मुदड़ी को इन ग्वाल वालों ने नष्ट कर दिया, फाड़ दिया, यानी बना ज्ञान की पोटरी लेकर के जाने वाला उद्धव, जब ग्वाल वालों ने कहा इतना वो जल बह करके जो आ रहा है यशोदा मैया के नेत्रों से, यही वो जल है, तो उद्धव की ज्ञान मुदड़ी चटकते रहते। जितना कोई प्रेम करता है क्या पुत्र से या भगवान से, जितना यशोदा मैया कर रही है, कोई कर सकता है क्या? आकर यशोदा मैया को वो प्रणाम करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता क्या? कोई उद्धव रूपी तत्व ब्रह्म रूपी माँ यशोदा, ब्रह्म की मैया यशोदा को समझाने का प्रयास करे तो समझा देगा? जिस ब्रह्म, जिस मैया यशोदा को भगवान नहीं समझा पाए, जिस मैया यशोदा को ब्रह्म ने
नहीं समझाने का प्रयास किया। हाँ मैया मैं तेरा लाला हूँ। देखो नहीं यार, तू कोई भगवान भगवान नहीं है, ये सारे लोग कहते हैं मेरी, मैं सुनती हूँ ना सब तेरे लिए ऐसा कहते हैं सब, तू भगवान भगवान कोई नहीं है ना। हाँ मैया मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं तेरा लाला हूँ, तेरा दुलारा हूँ, तेरा प्यार। उस मैया ये सुधा तू कौन समझा सके। और डबरे जाकर प्रणाम किया, यदु नंदन कृष्ण चंद्र जी महाराज माँ यशोदा रानी को मैं प्रणाम करता हूँ। भैया भैया ने जोर से जैसे प्रणाम किया, डांट करके कहा, अरे ओ क्रूर मेरी नजरों से दूर हो जा, कहाँ से आया मेरा लाला सो रहा है और तू यहाँ आकर शोर कर रहा है, जा यहाँ से चला जा। और तो निकल करके आ गया, साहस नहीं हुआ उसका। कभी वह पालने को बुला रही होती है तो कभी वह दरवाजे पर आकर के निहार रही होती है, कभी वह प्रतिबिंब मणियों से लगे खंभों में जाकर देख रही है कि यहाँ कभी आकर छिप जाता था, तो कभी उखल को देखती है कि मैंने यहाँ कभी उसे भांगा था। कभी बड़ा अद्भुत भाव है उस मैया का, लेकिन वह कन्हैया वह कृष्ण नहीं दिखता उसे। बड़ा सुंदर लोड़ियां गा गा कर झुला रही है, जैसे कि लग रहा है उसका लाला यही चल रहा है। और तुमने देखा, मैं जाकर के समझाने का प्रयास करके देखता हूँ, गोपियाओं को इनकी समझ में कुछ आ जाए तो चले। और गोपियों को जाकर के कहना प्रारंभ किया, कहा उन्होंने जब पढ़ कर के मथुरा से मैं आया हूँ, सुनाता हूँ संदेशा श्याम का जो साथ लाया हूँ। अरे ओ गोपियों, मैं मथुरा से आया हूँ तुम्हारे प्राण प्रियतम कृष्ण का संदेश लेकर। अब तो बड़ी समस्या है, पाती को वैसे देखा, पाती लेकर कृष्ण आए, कृष्ण जी उद्धव आया है, भाग भाग करके गोपियां आई और पाती को मेरे प्रिया प्राणनाथ प्रियतम, मेरे प्राणनाथ प्रियतम की पाती है, खींच खींच करके पाती का हाल बेहाल कर दिया। कोई तो गोपी ग्वाल वालों उद्धव ने कहा है, गोपियों यह पागलपन अच्छा नहीं होता, पाती को फाड़ दिया है, छुड़ा लिया है, तुम पढ़ना जानती हो क्या, पढ़कर बता दोगी क्या। अरे सही पाती का क्या संदेश है, इसे मैं ही तो बता पाऊंगा, इसमें वापस कर दो। गोपियों ने देखा उद्धव इस पाती में जो लिख रहा है ना, वो हमारे हृदय पर पहले लिख चुका है। और उद्धव तुम क्या ज्ञान दोगे, क्या बताओगे हमें, यही ना कि वो परम पिता ब्रह्म है, वेदों का ज्ञान, पुराणों का ज्ञान, और उस ब्रह्म को इस भांति नहीं, इस भांति भजन के माध्यम से यजन किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, वह ऐसे मिलने वाला नहीं, वह ये है, वह वो है, यह सारा ज्ञान तो हम पहले ही जान चुके हैं। सभी ने कहा वाह। और कुछ गोपियां तो लग रही हैं, एक भौरा एक कली का रस चूस रहा था और गोपियां भाग करके उद्धव को छोड़ दिया उसके पास नहीं। कुछ गोपियों ने कहा रहने दो बहन, क्योंकि यह काले रंग का है और ऐसा ही हमारा कृष्ण है, यह एक कली का रस चूस करके दूसरी पर बैठ करके मरनाता रहता और ऐसे ही वह गोपियों से प्रीति करके कुबजा के पास चला गया। हरिओम जाने दो, कन्हैया चला गया है तो क्या जाने दो, क्योंकि जैसे जले बन को छोड़कर के मृग चले जाते हैं, दक्षिणा लेकर यजमान को छोड़कर के पंडित लोग चले जाते हैं, वैसे ही हमें छोड़कर के चला गया है, अब नहीं आएगा। अब तो महाराज रो रो के हाल बेहाल है, कभी रोती है, कभी हंसती है, कभी खिलखिलाने लगती है, कभी बनों से पूछती है। और उद्धव देख रहा है बड़ी समस्या है, क्या बताऊं मैं, क्या समझ, प्रकाश उमड़ पड़ा, ज्ञान का प्रकाश देने लगा उद्धव, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया। हाथ पकड़ कर कुछ गोपियों ने उद्धव का खींचा और राधा जी के पास पहुंचा दिया, जहां पर अनेक दासियां उनकी सेवा में लगी हैं। हे लाडली हे सखी, तेरा प्रयत्न कैसे तुझे नहीं दिखता क्या। बहुत सी गोपी कह रही है, देखो हमारे स्वप्न में आकर के ना वो हमें परेशान करता है,
अरे राधा तेरा कन्हैया है ना, वो मेरे मटकी को लेकर के चला जाता है, माखन फैला देता है, मेरे बालकों को नोच नोच करके भाग जाता है, नाना प्रकार की बातें। लेकिन राधा जी ने कहा है, बहन तुम्हारे स्वप्न में आता है क्योंकि तुम्हें निंद्रा आती है, लेकिन जिस दिन से कन्हैया गया है उस दिन से मुझे निंद्रा नहीं आई है, तो फिर स्वप्न कहां से आएगा। मेरी रातों की नींद और दिन का चैन वो लेकर के चला गया है। अद्भुत बात, विचित्र बात। और खड़ी होकर की आज साज की है, लता पताओं से पूछ रही है, अरे ओ मेरा कन्हैया आया था क्या यहाँ, बता दो हमें कन्हैया को। यमुना के किनारे जाकर मैया यमुना को कहती है, अरे ओ कालंत्री बहन, मेरा कन्हैया प्रतिदिन यहाँ स्नान करने के लिए आया था। और प्रतिदिन आकर के स्नान करता था, तो क्या तेरी लहरों ने उसे लुप्त तो नहीं कर लिया है। बोलेंगे भक्त वत्सल भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय हो। बता तू मुझे तेरी लहरों में उसे तू नहीं कर लिया। कोई नहीं जवाब देता है। आज उसे याद आया है कन्हैया जाते जाते भी असुरों को लेकर के चला गया। अगर कन्हैया मुझे असुरों को बहाने की अनुमति देकर के गया होता ना यमुना, तो फिर तेरी हालत वह करती, अपनी आंखों के दो बिंदु नीचे टपकाती मैं और तुझे इस वृंदावन से बहा देती दूर। तेरी मौन अवस्था का यह जवाब मैं तुझे देती है। लेकिन वो निर्दय जाते जाते अश्रुओं को भी लेकर के चला गया। राधिका तेरे स्नेह के कारण ही मैं जा रहा हूँ, लेकिन तू चली मेरे जाने के बाद अश्रु मत बहाना, क्या करूँ मैं, निर्लज्ज हो गई हूँ, बेचैन हो गई हूँ मैं। और उसको पीछे पीछे इस ब्रज भूमि को छोड़ चले गए राधा के प्यारे, कहाँ जा चुके हो घनश्याम। इस ब्रज भूमि को छोड़ चले गए राधा के प्यारे, ब्रज भूमि को छोड़ चले गए राधा के प्यारे, कहाँ जा चुके हो घनश्याम। छोड़ चले गए राधा के प्यारे, कहाँ चुके हो घनश्याम। रोटी सखियां सारी कहां छुप गए